जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली ग्रुप सी की पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनकी एज लिमिट क्या है, उनकी योग्यता क्या है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी जो भी इस भर्ती से संबंधित है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि यह है मेरा यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये खबर निकली हुई है। आप अगर 15 नंबर पेज पर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड। आप सभी के लिए ज़्यादा नॉलेज अगर इसके बारे में ना हो तो मैं आपको समझा दूं कि हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के अंदर जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल चेन्नई, उसमें ग्रुप सी यानी कि वॉशरमैन और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, और आज की वीडियो में हम इसी से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम बता दें कि आपकी जो एप्लीकेशन होंगी वो आपको कहाँ पर भेजनी है, ठीक। तो मिलिट्री हॉस्पिटल चेन्नई विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन दी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो आप देख सकते हैं ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है दोस्तों, ये 11 से 17 जून 2022 का है, और इस न्यूज़पेपर के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाकर पूरी नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बता दें दोस्तों कि यहाँ पर वॉशरमैन और ट्रेड्समैन मेट दो पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। सबसे पहले है वॉशरमैन, उसके बाद में ट्रेड्समैन मेट। वॉशरमैन के लिए दोस्तों 39 वैकेंसीज हैं और ट्रेड्समैन मेट के लिए हैं 26 वैकेंसीज, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। पे लेवल होगा आपका L1, और आपकी जो एज लिमिट है दोनों ही पोस्ट के लिए वो 18 से 25 साल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वॉशरमैन के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो दोस्तों आपको ओनली 10th पास होना चाहिए, मतलब मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेड्समैन मेट की, तो इसके लिए भी आपको दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ट्रेड का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है 1 ईयर का, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके लिए एप्लीकेशन भरने के बाद में दोस्तों भेजने कहाँ पर है, ठीक है। एप्लीकेशन को आपको फिलअप करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये एड्रेस दिया गया है। एप्लीकेशन विल बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, मतलब आपको ऑफलाइन ये एप्लीकेशन भेजनी है, और कहाँ भेजनी है, द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल डिफेंस कॉलोनी रोड चेन्नई तमिलनाडु, पिन नंबर है इसका 60032, ठीक है, 60032। तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों अपनी एप्लीकेशन फिलअप करके भेजनी है। इस भर्ती से संबंधित मैं आपको ज़्यादा जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि 25 जुलाई 2022 तक आप अपनी एप्लीकेशंस को भेज सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो 4 जून के लिए ये पब्लिकेशन जो है वो किया गया था, 11 जून के लिए, और 11 जून से 45 डेज होते हैं दोस्तों 25 जुलाई के लिए। तो 25 जुलाई से पहले आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। ये सिविल डिफेंस की भर्ती है, आर्मी की भर्ती जरूर है लेकिन ये सिविल डिफेंस की भर्ती है, तो इसके लिए आपका ना तो कोई फिजिकल होगा ना ही कोई मेडिकल होगा, आपका केवल रिटन टेस्ट होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन वैकेंसीज से आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं इन वैकेंसीज के बारे में, तो मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।